वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप बढ़िया होंगे और बढ़िया होनी भी चाहिए। सो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम करने वाले हैं अपने शार्क पे छोटी सी मॉडिफिकेशन। तो गाइज, मॉडिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो आपको बता दें आज अपनी शार्क के ऊपर क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है। देखो गाइज, आज करने वाले हैं 220 में हैंडल बार इंस्टॉल, और देखते हैं भाई क्या ही खतरनाक लगेगी अपनी बाइक आज। जी एस मोटो भाई की शॉप में जा रहे हैं आज, वहाँ पे अपना हैंडल बार इंस्टॉल करवाएंगे भाई से। और वैसे तो मेरे को भाई ने सुबह बोला था आने के लिए, पर मैं थोड़ा बिजी था तो उस वजह से जा नहीं पाया। भाई ये है एफ जेड का हैंडल, तो आज एफ जेड का हैंडल इंस्टॉल करेंगे और आपको पूरा बताएंगे कि हमें हैंडल बार कैसे इंस्टॉल करेंगे, और देखते हैं कैसा होगा और कैसी मॉडिफिकेशन रहेगी। तो जाते हैं भाई के पास और देखते हैं क्या क्या हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और हैंडल होल्डर होता है ना वो भी मैं आपको बताऊँगा मैंने किस चीज़ का इंस्टॉल करा है। तो चलो जाते हैं बाइक के पास और देखते हैं क्या सीन होता है। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं घर से और ये हमारा हैंडल तो इंस्टॉल होगा। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। तो गाइस, हमारी बाइक का काम हो गया स्टार्ट। ये हैं जो मैं बता रहा था आपको हैंडल होल्डर, ये है भाई बजाज XCD के लगा रहा हूँ मैं। तो देखते हैं कैसे भाई फिट करेंगे, और ये अपना हैंडल है। और बाहर भाई कभी भाई बाइक खोल रहे हैं अपनी, और ये अपने भाई हैं देखो गगन भाई। और गाइस, दिखा दें आपको कैसे हैंडल बार इंस्टॉल होगा और पूरा प्रोसेस बताएंगे एक एक चीज़ आपको कि हम कैसे हैंडल बार इंस्टॉल करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ और दिखाते हैं आपको। गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको खोलने में भाई। 2014 मॉडल है तो भाई आपको पता ही है, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें खोल रहे हैं तब तो भाई थोड़ा दिक्कत तो होगी। और भाई मतलब कि सारा जोर भाई ने आज ही लगा दिया इतने ज़्यादा टाइट थे स्क्रू वगैरह जो भी खोले भाई ने। और गाइस देखो, यहाँ पे होने वाला है अपना हैंडल बार इंस्टॉल, ज़बरदस्त लगने वाली आज। और ये जो है टी है ना, अपर टी, ये हम इधर ऊपर तक कर लेंगे इसको, थोड़ी मतलब हैंडल की हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी और भाई ज़बरदस्त लगने वाली है देखो। और ये हमारे बजाज XCD के, मैंने आपको बताया थे ये है बजाज XCD के हैंडल होल्डर, और इसमें अपना हैंडल इंस्टॉल होगा। अभी तो भाई आपको देख रहे होंगे पुराने, क्योंकि मैंने पुरानी बाइक के लिए थे ये, और इसमें अभी ब्लैक पेंट वगैरह होगा, तब देखना भाई क्या ही ज़बरदस्त लुक देगी अपनी बाइक, देखते जाओ गाइस आप। गाइस चेक करो तो भाई ऐसे लगाया भाई, क्या जबरदस्त लग रहा है अपना हैंडल। अबे गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे शाम लग रहे हैं, पीछे दुकान पे होंगे नोटिफिकेशन भाई। चलिए भाई चलिए, और ये निशान बने देखो एग्जैक्ट भाई ने, आपको शायद क्लियरली दिख नहीं रहे उन्हें। गाइस ये देखो बंदा अभी से बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि भाई ये बंदे जो है हमारी सिम में लेके नहीं आ रहे हैं। मैंने भाई साहब बिल कटवा दिया 5 रुपए का, 4 सिम होगा और मैं कि तो लेडी सिम ना देना। अरे भाई की 390 का इंजन का काम चला हुआ गाइस यहां पे, और भाई अपनी 390 पे ब्लैक स्प्रे मार रहे हैं, ऑरेंज से ब्लैक कर रहे हैं देखो। एक कोट भाई ने कल मार दिया था, एक कोट भाई आज और मार रहा है भाई। देखो भाई की 390 क्या जबरदस्त लग रही है, ओल्ड मॉडल चलो और भाई एक दूसरा कोट आज फिर से मार रहे हैं भाई। और भाई देखो 390 बिना इंजन के कैसी लग रही है जबरदस्त लग रही है गाइस बिना इंजन के। तो देखो गाइस, देखो भाई पूरा नाप के अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि भाई काम एक ही बार होगा, बार बार ये काम नहीं होगा, एक ही बार इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी भाई। हल्का सा भी फर्क पड़ गया ना तो भाई बाइक एक ही साइड को चलेगी गाइस, पूरा एक्यूरेसी देखनी पड़ती है और एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि कहाँ पे कितने छोटा सा भी हल्का सा भी फर्क नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा भी फर्क रह गया ना तो भाई फिर तो
लाइन मेंटेन हैंडल की पूरी बिगड़ जाएगी, क्योंकि ड्रिल से छेद करेंगे भाई एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। और भाई देखो हाल फिलहाल भाई ये NS का एक्सीडेंट भी कुछ दिन पहले हुआ था, देखो 4 लाइन पे भाई देखो खत्म है भाई, आगे से पूरी भाई के भी। और पर ऐसा है गाइस बंदा सेफ था, आया था भाई अभी थोड़ी देर पहले। और ये भी भाई ये भी देखो बहुत गंदे तरीके से ठुकी पड़ी है भाई, ये भी बिना हैंडल के गाइस देखो कैसे लग रही है अपनी बाइक, ऐसा लग रहा है कि हैंडल निचली साइड पर है, जो दूसरी स्पोर्ट्स वाली बाइक की जगह खतरनाक लग रही है बिना हैंडल के गाइस। हमारे मैकेनिक हमारी बाइक का काम छोड़ के देखो दूसरी बाइक में लग गए हैं, ये देखो ये तो भाई ना इंसाफी है, ना इंसाफी है भाई जी, बहुत ज्यादा ना इंसाफी है। छोटा सा काम बोल के भाई ने बहुत बड़ा काम ले लिया है अपने हाथ। तो गाइस अब हो रहे हैं हमारे हैंडल होल्डर इंस्टॉल, और भाई देखो किस तरीके से भाई लगा रहे हैं इनको, और ये हो गया फिर यहाँ पर दूसरा वाला लगेगा। और भाई देखो कुछ ऐसे लग रहे हैं गाइस, बारिश क्या ही खतरनाक बारिश लग गई है भाई, तुम गाइस बढ़िया हो गया एकदम ठंडा। और यहाँ पर देखो अपना हैंडल बार भाई क्या ही खतरनाक लग रही है, देखो दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ मैं, देती हूँ एक मिनट। ओ गाइस देख सकते हो आप, क्या ही जबरदस्त लग रहा है गाइस, देखो हैंडल अपना गाइस चेक करो लुक, क्या जबरदस्त लग रहा है भाई, भाई अल्टीमेट लग रही है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:09 और भाई 12 बजे से काम स्टार्ट हुआ है और अभी तक काम ख़त्म नहीं हो रहा है, और यहाँ पे चली हुई है अभी भी कार्रवाई। अभी फ़िलहाल भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा भाई कुछ और काम करे थे तो वहाँ पे बिजी थे, और अभी ये इंस्टॉल हुआ है, अभी इसकी पूरी सेटलमेंट हुई नहीं है ढंग से, तो अभी इसकी सेटलमेंट करके बस अब ज़्यादा काम नहीं है, बस हैंडल बार इंस्टॉल करना है और ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो हमारा हैंडल लग के हो गया रेडी, अभी पूरी फिटिंग नहीं हुई है, तो अभी भाई कर रहे हैं, थोड़ी एडजस्टमेंट हो रही है इसकी अभी, तो भाई देखो क्या मस्त लग रही है भाई, देखो जबरदस्त अभी होल होंगे गाइस, इसके हिसाब से होल भी होंगे, इसके हिसाब से होल भी होंगे अभी गाइस इसमें, तभी ये क्योंकि फिट बैठेगा ऐसे, अदरवाइज वो ये पूरे पर घूमता रहेगा। चलो अब आपको सीधा फाइनल लुक की दिखाएंगे अपनी कि कैसे लग रही है अपनी बाइक, तो मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा हैंडल लग के हो गया रेडी, तो भाई आप एक्साइटेड हो लुक चेक करने के लिए, भाई ज़बरदस्त लग रही है अपनी बाइक, तो भाई क्या ही बताऊँ बहुत ज़बरदस्त लग रही है गाइस अपनी शार्क, मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो चलो आपको दिखा दें अपनी शार्क कैसे लग रही है, चेक करो गाइस। क्या जबरदस्त लग रही है भाई, देखो अभी यहाँ से आपको इतनी अच्छी लगी, जैसे बाहर निकालेंगे ना गाइस उस टाइम चेक करना कितनी जबरदस्त लग रही है भाई। छोटा सा राउंड मारने और आप चेक करना गाइस, चेक करना स्पीड दादा। नहीं नहीं मजा आ रहा था ना, फीलिंग स्पोर्ट्स वाली है दूजी है गाइस, भाई हर कुछ ही फीलिंग आ रही है गाइस इसको चला के भाई, अल्टीमेट ही क्या बताऊं आपको भाई, लग रही है भाई ये लग गई, देखो जरा चेक करो ये अपना भाई, अपना विशाल भाई जा रहा है, देखो
राउंड मारने के लिए भाई। फीलिंग जबरदस्त आ रही है गाइस, जबरदस्त देखना, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हिमालयन चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड का। तो भाई कैसी फीलिंग आ रही है? मस्त भाई। सो गाइस फाइनली हमारा हैंडल लग के हो गया रेडी। तो भाई क्या ही जबरदस्त लुक आ रही है अपनी हैंडल की। तो बहुत टाइम से मैं ये मॉडिफिकेशन करवाना चाहता था पर कुछ इशू की वजह से नहीं करवा पाया। तो गाइस अब निकल रहे हैं हम घर को। आई होप आपको ये मॉडिफिकेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने जो करवाई है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं एंड, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट मॉडिफिकेशन के साथ। अगली मॉडिफिकेशन भी हमारी आने वाली है और वो मॉडिफिकेशन भी ज़बरदस्त होने वाली है गाइस। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।